जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बजटिंग का। बजटिंग बहुत ज्यादा एक मेजर फेज है कि जो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बाद आता है, कि जब क्लाइंट आपसे चाहता है कि आप उनको बजट बनाकर बताएं कि ये बजट है क्या, किस तरह से बनेगा, उसमें कहां कहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट होगी और टोटल उसके कितने पैसे लगेंगे इस प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। आप बजटिंग में जब भी आप बना रहे हो तो आपने कैलकुलेशन का बहुत खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन या मिस कैलकुलेशन या फिर मिसलिनियस चार्जेस या कुछ भी ऐसे चार्जेस आते तो उसका बजट आउट हो जाएगा। और जब उसका बजट आउट हो गया तो डेफिनेटली प्रेशर आप पे आएगा, क्योंकि वो आपने ही सस्टेन करना उस प्रेशर को। सबसे पहले अगर इनिशियली आप इन्वेंट्री की जहां तक बात है, देखें सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉक उठाना कितना है, स्टॉक लेना कितना है। जहां तक स्टॉक की बात आ रही है, ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। एक तो इसमें है कि आपने, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास बजट थोड़ा है और आपने टर्नओवर ज्यादा रखना है, तो फिर आप उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके कंपटीटर्स जो है उसकी डेली की सेल कितनी है। 2-3 कंपटीटर्स की आपको सेल पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पेज पे जो टॉप कंपटीटर्स हैं उनकी सेल कितनी है। उस हिसाब से आप अपना बजट देखेंगे, उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपटीटर है, उसकी डेली की फॉर एग्जाम्पल 10 सेल्स हैं। 10 सेल का मतलब कि 30 डेज में उसकी 300 यूनिट सेल होंगे। आपको आइडिया हो गया कि 300 तो मिनिमम आपके पास होने चाहिए। आप एवरेजली 350 या 400 यूनिट्स अपने पास मिनिमम मंगवा लेते हैं और इतने ही यूनिट्स का ऑर्डर भी दे देते हैं। यानी पहला यूनिट आपने मंगवा लिया 400 यूनिट का, जो आपकी इन्वेंट्री में लाइव हो गया। दूसरी तरफ आपने उतना ही ऑर्डर आपने पीछे मैन्युफैक्चरर को दे दिया, जो कि अगले महीने आपका लाइव हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि एक जब इन्वेंट्री आपकी खत्म होने लगी तो साथ ही दूसरी इन्वेंट्री आपकी लाइव हो चुकी हो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ दिन क्या कुछ घंटे भी आउट ऑफ स्टॉक हो। जैसे ही आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे, जो आपने पूरे महीने की सैबोज वीवीआरओस जो जो आपने काम करके अपने आप को रैंक किया होता है, वो सारा का सारा जाया हो जाता है और आप फिर से आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाते हो। तो ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट देखना है। ये तो मैंने उस टाइप की बात की कि आपके पास बजट कम है, आप टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, आप कहते हो कि जी पहले पैसे आ जाएं, थोड़े से पैसे आएंगे फिर मैं मजीद दोबारा से इन्वेंट्री मंगवा लूंगा। ये तो मैंने उसकी बात की है, लेकिन प्रेफरेबली आप मेजर एक बड़ा चंक मंगवाते हैं, एटलीस्ट 1000 यूनिट्स आप अपने पास मंगवाते हैं, ताकि आपको पता होता है कि 2 मंथ्स का आपके पास स्टॉक है अवेलेबल। और फिर उसके बाद आप अगला स्टॉक बाद में मंगवाते हैं। नंबर वन, ये तो होगी बेसिक चीज। अब इसके बाद अगला एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूं इन्वेंट्री के बारे में। देखें इन्वेंट्री में आप ये भी साथ माइंड में रखिएगा कि पॉइंट मिस हो गया, माइंड से निकल गया, अभी आता तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ओके, ये तो पहले आगे आपने इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज की, आप उसको पार्शली भी कर सकते हैं, पहला ऑर्डर करके उसको लाइव करने के बाद दूसरा ऑर्डर कर दिया और उसके बाद भी कर सकते हैं। हाँ यस, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले भी आप लोगों को बताई थी, अब दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको बड़ा गौर से सुनेगा। देखिए इस फील्ड में कामयाब वही है जो साथ साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और जो अपडेट्स आ रही हैं उसके साथ अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहा है। अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमारी बड़े तकरीबन 25-30,000 के हमारे 3 प्रोडक्ट इस वक्त मैन्युफैक्चर हो रही है। अब पहले तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ मिलके मैं उस प्रोडक्ट को आपके सामने ऐड करवाऊंगा और उसके साथ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटजीज थोड़ी सी चेंज हो गई। पहले ये होता था कि हमें एक एज मिलता था
कि आपकी अगर बर्थ जो है वो पहले हो चुकी है और आप थोड़ा सा अरसा उसमें गुजारती हैं और उसके बाद आप इन्वेंट्री अपनी लाइव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी, मैं चाहूँ तो अभी मैं यूपीसी में ऐड करके अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इन्वेंट्री लाइव होगी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग टाइम 25 डेज का है और बाय सी अगर आता है तो 55 डेज बाय सी का टाइम है। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्लस लैंडेड जो टाइम है, फ्रेट टाइम, वो मिलाकर तकरीबन 75 डेज बनते हैं। अराउंड 75 डेज में मेरी प्रोडक्ट जो है वो लाइव होगी। पहले स्ट्रेटेजी ये थी कि ये 75 डेज मिस ना हो और आप पहले प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद ये 75 डेज आपके काउंट होंगे उसी प्रोडक्ट की बर्थ में, और उसके बाद जब लाइव होगी तब आप धराधर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेल स्टार्ट करके तो अपने आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब क्या सिनेरियो चेंज हुआ है, अब वाइन का भी एक अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया और साथ अमेजोन ने ये भी एक लेटेस्ट अपडेट दिया कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अभी ऐड करते हैं और विद इन 2 to 3 days मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 2 to 3 days अगर आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है तो अमेजोन खुद आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट करेगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है, और इसको किस तरह से अवेल करना है, वो इस तरह से अवेल करना है कि जब हमारी इन्वेंट्री, एक तो ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो हम बाय एयर मंगवा लें, बाय सी की बजाय बाय एयर मंगवाएं, और बाय एयर आपको पता है 10 to 15 days मैक्सिमम में पहुंच जाएगा। या तो इसको इस तरह से अवेल किया जा सकता है, या दूसरी तरफ आप इसको इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं कि आप इसको पहले मैन्युफैक्चर करने के बाद भिजवा देते हैं 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास, जो कि उसी कंट्री में मौजूद होना चाहिए, वहां पे भिजवा कर देन आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड करें, और ऐड करने के बाद फौरन उससे कहें कि आप जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हो जाए साथ ही उसको कहें कि आप लेबलिंग करके आप भिजवा दो, मेरी प्रोडक्ट को ऐड भिजवा दो अमेजोन के ऊपर। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो विद इन अ डेज आपकी प्रोडक्ट जो है वो बूस्ट होने लग जाएगी। नंबर वन ये आ गई आपकी, मैंने अब बात की आपकी बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बहुत। अब यहाँ पे आपके पास आ गई लैंड, आपको अब इनिशियल आपके यूनिट्स तो क्लियर हो गए, नंबर वन ये बेसिक चीज। उसके बाद आपको ये पता है कि मैन इसकी लैंडेड कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ पे ये जरूर देख लीजिएगा कि लैंडेड कॉस्ट में आप यूके में काम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। अगर आप उससे डीडीपी कर रहे हैं मैन्युफैक्चर से, तो डीडीपी प्राइस प्लस आपका वैट, ये दोनों ऐड होंगे और फिर आपके पास एक लैंडेड कॉस्ट बन जाएगी कि वो चीज आपको यूके में पहुंचाने के बाद कितने पैसे चार्ज होंगे। अगर आप 3PL की तरफ जा रहे हैं तो 3PL के आप अलहदा से 0.50 होते हैं नॉर्मली, 0.45 या 0.50 पर यूनिट, तो उसको आप मल्टीप्लाई करें यूनिट्स के साथ, वो आप ऐड कर दें। अगर आप डायरेक्टली भिजवा रहे हैं तो सिर्फ डीडीपी प्लस आपका वैट, वो आपके जो लैंडेड कॉस्ट थी जो हमने शुरू में पढ़ा था, जब हमने कॉस्ट को हमने सॉरी हमने जो प्रॉफिट मार्जिन को जब कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने जो चीज पढ़ी थी लैंडेड कॉस्ट, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब आगे आगे इनिशियल बजट इन्वेंट्री का, वो हमने जो टोटल यूनिट्स थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट कॉस्ट के साथ, तो हमें पता चल गया कि हमारी इन्वेंट्री को 5,000 pounds आपके इन्वेंट्री में लगेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पे आ गई अगली स्टेप। मैंने आपको जब लास्ट टाइम बताया था कि जीएस में किस तरह से आप जीएस की जो वेब है उसमें किस तरह से आप अपने कंपटीटर के पर यूनिट आप निकाल सकते हैं कि वो कितने गिवेस कर रहा है या कितनी उसकी सेल हो रही है, इन दोनों में से किसी एक चीज को आप देखकर तो आप उसमें आइडिया ले सकते हैं कि अगर मेरा कंपटीटर जो है जिसके साथ मैं चीज लगा दूंगा या जिसकी चीज को मैंने हूबहू कॉपी किया उसके अगर 20 यूनिट है तो फिर मेरे भी 20 यूनिट ही सेल होने चाहिए, चाहे वो 20 यूनिट आपके ऑर्गेनिक ना हो इनऑर्गेनिक ही हो जाए। ठीक है, तो ये आपके वो 20 यूनिट आ गए। उसके बाद फिर आप उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 14 डेज। अब ये 14 डेज का थोड़ा क्रूशल टाइम होता है, फर्स्ट 14-15 डेज का,
इसमें आपने अपना 100% लगाना होता है, इसमें आपका डू और डाई होता है कि आपकी जैसे इन्वेंट्री लाइव हो गई तो फर्स्ट 15 डेज आप लगा ले अपने माइंड में, 14 डेज या 15 डेज जितने भी आप लगाए, यानी फर्स्ट 15 डेज ये बहुत क्रूशल है। आपने ये यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है कि अगर दिन के अगर आपके 20 यूनिट सेल होते हैं तो 14 डेज में 240 यूनिट्स का आपको गिव अवे करना पड़ेगा, क्योंकि जहरी बात है आपने रैंक करना है। अब यहाँ पे गिव अवेज आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, गिव अवेज में फर्क है, सैबोज में फर्क है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके पीछे अलग अलग लॉजिक्स हैं। गिव अवेज होते हैं, इसमें आप रिव्यू नहीं लेते। मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा इसका मैं क्लियर कर देता हूं, आगे फिर जाकर मसला ना हो। देखें, सबसे पहले तो ये कि मैंने कहा कि यार मुझे सेल आनी चाहिए, मैंने प्रॉक्सी मार्केटर को कहा कि भाई मुझे आप सेल लाकर दो, पर डे में एक सेल होनी चाहिए या पर डे मेरी 20 सेल होनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, नो इशू। आप उसको अपना एसन बताते हैं, आप उसको अपना जो जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं वो कीवर्ड उसको बताते हैं कि ये कीवर्ड आपने सर्च करना है, ये मेरी पिक्चर है। वो कहता है ठीक है, वो उसी कीवर्ड पे आगे सर्च करवा कर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करवा लेता है। परचेज करवाने, वो उसका काम है सिर्फ परचेज करवाना। परचेज करवाने के बाद आप उसको उसके पैसे भी वापस करते हैं और उसका कमीशन भी वापस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उसका कमीशन है $2, सॉरी 2 पाउंड, सीधे अल्फाज में कहते हैं 2 पाउंड उसका कमीशन है और 5 पाउंड की आपकी प्रोडक्ट थी। अब यहाँ पे ये हुआ कि उसने वो प्रोडक्ट वहां पे परचेज करवा ली, गिव अवेज दे दिए, जैसे ही आपकी एक सेल हुई तो आपने उसको 7 पाउंड आपने उसको ट्रांसफर करने हैं। क्यों? 5 पाउंड आप ट्रांसफर करेंगे उसके अकाउंट में, जो जेनी होगा उसका, जेनी मतलब जो उसका जेनी है, जो कि चीज जिसने खरीदी है उसको जेनी कहते हैं, जो उसका जेनी होगा उसको 5 पाउंड उसको जाएंगे, 2 पाउंड प्रॉक्सी मार्केटर का कमीशन होगा ये सेल करवाने के लिए, तो आप उसको 7 पाउंड देंगे। ये हो गया आपका गिव अवे, सिंपल। ओके, अब एक इस तरह से भी होता है कि जिसमें आप कहते हैं कि भाई आपने गिव अवे देने हैं, साथ रिव्यू भी देने हैं, तो उसका जो उसमें वो गिव अवे तो लेगा ही लेगा कस्टमर, लेकिन गिव अवे लेने के बाद वो टाइप भी कर देगा, आपको अच्छा रिव्यू भी दे देगा। उस रिव्यू लेने देने के लिए वो आपसे पैसे भी एक्स्ट्रा मांगेगा और उसका प्रॉक्सीटर मार्केटर भी अच्छा ज्यादा प्रॉफिट मांगेगा। उसके लिए हो सकता है वो जहां पे पहले आपको 7 पाउंड गिव अवे के लिए देना पड़ रहा था, आपको 10 पाउंड देना पड़े, लेकिन 10 पाउंड पे आपका गिव अवे भी आपको मिल रहा है और प्लस आपको रिव्यू भी आ रहा है। ओके, गिव अवे की स्ट्रेटजी ये होती है कि जब एक दफा आपको आपके गिव अवे मिलने लग जाते हैं, आपको जब आपकी सेल होने लग जाती है, तो जो आपका अमेज़ॉन है उसको नहीं पता कि ये आपकी सेल ऑर्गेनिक हुई है या इनऑर्गेनिक हुई है, उसको तो नहीं आइडिया, उसको बस ये पता है कि इसकी सेल हुई है, जैसे ही ये लाइव हुआ इसकी सेल होना स्टार्ट हो गई। अब उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसको ये सिग्नल मिल रहा है, उसको ये मैसेज मिल रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल हो रही है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रैंक करता रहेगा। और आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है पहले पेज के दूसरे या तीसरे कंपटीटर के साथ, वो अब उसके साथ आपको लाकर खड़ा करने वाला है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी भी 20 सेलें हो रही हैं पर यूनिट और आपकी भी 20 सेल हो रही है पर यूनिट, ठीक हो गया, पर डे, तो वो उसको आपके साथ मिलाने लग जाएगा। आपने उसको ये सिग्नल दिया कि मैं इस बंदे के कंपटीशन में आ रहा हूं, इस बंदे के मेरे टक्कर पे आ रहा हूं। अच्छा, उसके साथ आपने रिव्यूज भी लेने लग गए। ओके, एक टर्म यूज होती है जिसको सैबूज बोलते हैं। अब एक ये एक आप कह लें कि एक एडवांस फॉर्म है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। एक में हो गया कि आपने फ्री में चीजें बांट दी कि ले लो यार ये चीज मुझसे ले लो, एक में हुआ कि आपने चीजें भी बांटी और आपने उससे रिव्यू भी ले लिया, ये होगी दूसरी। एक आप और टेक्निकल चीज खेलते हो, आप कहते हो भाई मैंने सैबूज करना है, आप ऐसा करो, ये मेरा कंपटीटर है और ये मैं हूं,
आपका वो जेनी जो है, जो परचेजर होता है, वो क्या करता है, वो पहले पहला पेज खोलता है, दूसरा खोलता है, तीसरा खोलता है। आपका जो कंपटीटर होता है उसको भी ओपन करके ऐड टू कार्ट कर लेता है, आपकी भी प्रोडक्ट खोल के ऐड टू कार्ट कर लेता है। एक से दो दिन, रिपीट कर रहा हूं, एक से दो दिन कम से कम वो आपके पेज को भी दोबारा ओपन करता है, ऊपर से नीचे देखता है, थोड़ी देर उस पेज पर रुकता है, फिर उसके बाद आपका कंपटीटर जो है उसके पेज को भी ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उस पर भी रुकता है। तीसरे या चौथे दिन आपके कंपटीटर को वो ऐड टू कार्ट से फारिग कर देता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लेता है। इसमें जो सिस्टम है पीछे अमेजोन का, जो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको ये मैसेज मिलता है कि ये प्रॉपर कस्टमर था जिसने प्रॉपर रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद टॉप कंपटीटर्स को उसने ऐड किया है, ऐड करने के बाद उसने एक दो दिन उसको अपने पास रखा है, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था उसको उसने परचेज किया और दूसरों को फर्क कर दिया। अब आप इस चीज को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और आपकी रैंकिंग ड्रामेटिकली तौर पे ऊपर आती है। यानी मेरे पास एक अकाउंट आया था जिसकी सेल नहीं हो रही थी, बिल्कुल सेल डल हो गई थी। गिवअवेज लगाने के बाद मैंने ये स्ट्रेटजी लगाई थी तो विद इन अ वीक्स उसकी सेल भी होने लगी थी और उसकी रैंकिंग भी हाई हो गई थी। तो ये बहुत गोल्डन चीजें हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं जो आप, जो एज अ मेंटोर मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगा, बाहर मैं किसी को ये स्ट्रेटजीज नहीं बताऊंगा। इस तरह से आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करें, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे है। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आप क्या करें। मैंने कभी क्लाइंट को ये नहीं बताया कि मैं क्या करूंगा, नो, स्ट्रेटजी मेरी है, ये मुझे पता है मैंने क्या करना है। वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो सब चीजें शेर को सिखाती है लेकिन उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाती। तो ये चीजें आपका सरमाया होती हैं, आपका एसेट होती हैं, ये आप आगे नहीं बताते। हाँ, उसको सिर्फ ये कंसर्न है कि उसकी रैंकिंग हो, हमें भी यही कंसर्न है कि उसकी रैंकिंग हो, कैसे हो ये हमें पता है, ये उसका जानना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स हैं उसको आपने रैंक करने के लिए उसको आपने साइड पे रख लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपने रैंक करना है, पहला। दूसरा, जिस तरह से हमने बात की पहले के 20 सेल्स चाहिए वो भी आपने अलग कर लिया। ओके, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देख लें कि कुछ, अब अक्सर ऐसा होता है, मेरे अभी एक मुझे क्लाइंट मिला, वो कहता है कि यार यहाँ पे बड़ा मसला चल रहा है कि जी अकाउंट ओपन करते हैं, सेल स्टार्ट होती है और अमेजोन जो है वो हमारा अकाउंट बंद कर देता है। मैंने कहा वो क्यों करता है, कहते हैं पता नहीं। मैंने कहा देखिए, अमेजोन भी बैठा हुआ है हमारे सर पे, जो सेलर्स है उसकी सर पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो उससे कमा रहा है, बायर से भी कमा रहा है, सेलर से भी कमा रहा है, तो वो कभी भी इस तरह से बंद नहीं करता क्योंकि उसका बिजनेस है, वो क्यों बंद करेगा। हाँ, जब एबनॉक्शियस चीजें होंगी, जब आप उसको चीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर जरूर वो आपको तंग करेगा। वो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने लाइव किया, लाइव करने के बाद आपकी सेल 10 होती है लेकिन रिव्यूज आपके 8 हो जाती हैं, तो वो पागल तो नहीं बैठे हुए, उनको पता है कि भाई 10 सेलों के ऊपर 8 रिव्यूज नहीं हो सकते, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। उनका जो सिस्टम था वो उन्होंने, जो आप लगा लें कि पहले जो तकरीबन मैंने जब स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले हमें बताया जाता था कि आपने 100:1 रखना है, यानी 100 सेलें होंगी तो फिर आपने एक रिव्यू लेना है। अगर आपने 10 रिव्यू लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 1,000 सेल हो चुकी हो। अब हमने उस रेट को कम करते 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 मार्केट को देख देख कर हमने एक फॉर्मूला लगा लिया 30-40 का, कि अगर 100 आपके यूनिट सेल होते हैं तो 30 आपने रिव्यूज ले लेने हैं, इससे ज्यादा रिव्यूज नहीं लेने। अगर आपने इससे ज्यादा रिव्यूज लिए तो आपको वो मॉनिटर होने लग जाएंगे, आपको हो सकता है वार्निंग लेटर आ जाए, हो सकता है उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। तो आप ध्यान से चलें, कहते हैं कि कानून की हमेशा दो आंखें होती हैं, एक बंद और एक खुली हुई। बंद आंख के सामने जो मर्जी करें लेकिन खुली आंख के सामने आकर कुछ नहीं करना। तो आई थिंक मैंने बहुत क्लियर कट आपको चीजें बता दी। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ऑब्वियस इस बात है गिव अवे को हमने देना है, उसकी भी तो कैलकुलेशन होगी ना। अब 280 हमने यूनिट्स को सेल किया 14 दिन के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 6,900 पाउंड के करीब हमारे ये गिवेवेज हो गए, सिंपल। उसके बाद जाहिर बात है जैसे मैंने आपको बताया कि गिवेवेज अलग हैं,
उसके बाद जो प्रॉक्सिटर मार्केटिंग जो ये काम कर रहा है, जो दरमियान में एजेंट है, उसकी अलग आप उसको पैसे देते हो, उसको उसका कमीशन होता है। हमने उसका कमीशन भी नोट डाउन करके साइट पर कर लिया। उसके बाद अमेजोन की कुछ फीस होगी, स्टोरेज की फीस होगी। स्टोरेज की फीस कैसे निकलेगी, जिस तरह से हम प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं, वो करने के बाद हमने उसको अलहदा कर लिया। अब हमने पीपीसी का बजट, देखिए पीपीसी जैसे हमने पहले बात की थी स्पॉन्सर एड्स चलाने की, कि स्पॉन्सर एड्स चलती हैं और वो आपके स्पॉन्सर एड आप पहले ही जो पेज है उस पर रैंक कर लेते हैं। वो क्या होता है, मैं कहता हूं अमेजोन को कि मेरी ये प्रोडक्ट को आप पहले पेज पे टॉप पे दिखाओ, मैं इसकी बिट दूंगा, मैं इसकी बोली लगाऊंगा। अमेजोन कहता है आपसे पहले बोली लगी थी 2 पाउंड की, 24 घंटों में 2 पाउंड की बोली, सॉरी एक क्लिक पे आपके 2 पाउंड लगे थे। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं 2.5 पाउंड की करता हूँ। मैं उसको पर डे का उसको बजट बता देता हूँ कि पर डे मैं आपका 10 पाउंड मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अमेजोन आपके उस प्रोडक्ट को टॉप पे दिखाना शुरू कर देता है। कब तक दिखाता है, तब तक दिखाता है जब तक आपके पैसे खत्म नहीं होंगे। पैसे कब खत्म नहीं होंगे, कि कोई भी बंदा आपकी उस एड को क्लिक करता है, आपके पेज को ओपन करता है, तो आपने जितना अमेजोन को बताया हुआ था पर क्लिक का उतने अमेजोन डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल पर क्लिक का $2 था, सॉरी 2 पाउंड था, तो 2 पाउंड खत्म हो गए। दूसरा क्लाइंट आया, दूसरा बाय आया, उसने क्लिक किया, वो भी खत्म हो गए, 4 पाउंड खत्म। इसी तरह से जब तक 5 लैंड नहीं करेंगे तब तक आपका वो पीपीसी चलेगी। जैसे ही आपका बजट खत्म हो जाएगा पीपीसी का, वो खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मली हमने पहले बूस्ट करना होता है, तो हम $1,000, अराउंड $1,000 एक हैंडसम बजट है वो हम साइट पे कर लेते हैं। अब आपने इन सबको जब प्लस कर दिया तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई, कि आपके पास टोटल आपके आए कितने। इसमें से ये 6997 ये जो पहले वाले थे गिव वे, इसके ये आपके जो है इतने पैसे वो वापस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब आपका जो जेनी था उसने चीज परचेज की, परचेज करने के बाद उसको तो पैसे मिल गए, लेकिन पैसे हमारे जो उसने उसके कार्ड से कटे थे वो हमारे अकाउंट में भी तो आए, तो वो हमारे घूम फिर के अकाउंट में वापस आ जाते हैं। जो गिवअवेज की अमाउंट होती है वो हमें वापस आ जाती है, लेकिन 20-21 डेज तक हम उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें शो हो रही होती हैं चीजें। ठीक है, तो इसको हमने अलहदा कर लिया और बाकी उसको हमने अलहदा कर लिया। यहाँ पे टोटल उसने बता दिया कि जी पहली इन्वेंट्री में इतने पैसे लगेंगे, गिवअवेज के ना इतने पैसे लगेंगे और टोटल बजट इतना लगेगा। एक दफा फिर से मैं 1 मिनट के अंदर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इन्वेंट्री कर ली, इन्वेंट्री करने के बाद गिवअवेज कर लिए, गिवअवेज करने के बाद पीपीसी का आपको पता होना चाहिए। पीपीसी के साथ साथ आपको अगर वीवीआरओ चलाना है या फिर आपने लिस्टिंग प्रमोटर के आपने पैसे निकालने, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये वाली चीजों को आप कैलकुलेट करते हैं और एक रफ बजट उसको दे देते हैं। ये वैसे तो एक्यूरेट होता है, लेकिन अगर आपने मजीद इसको एक्यूरेट करना है तो 500 पाउंड या 200-300 कम से कम पाउंड आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दें मिसलिनियस चार्जेस में। वो जब आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तब कुछ ना कुछ पैसे ट्रांजेक्शन के भी चार्ज होते हैं, चाहे वो अली बाबा के हों चाहे वो किसी और मीडियम के थ्रू हों। तो ये हो गया आपकी बजटिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस टूडेज सेशन। सेशन आज का यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।